उत्तर प्रदेश कोविड-19 टीका की 32 करोड़ से अधिक खुराक देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने शनिवार को यह दावा किया। प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण को मात देने के लिए बेहतरीन रणनीति के तहत काम कर रही है, जिसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में शनिवार प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण को मात देने के लिए बेहतरीन रणनीति के तहत काम कर रही है, जिसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार ने शनिवार को टीकाकरण में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने बताया कि शनिवार को दोपहर 12 बजे तक उन्होंने बताया कि आंकड़ों के अनुसार देश में दी गई कुल 189 करोड़ खुराक में से 32.01 करोड़ उत्तर प्रदेश की है। कोविड महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करते हुए यूपी सरकार समयबद्ध तरीके से 12 से 17 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को टीकाकरण का सुरक्षा कवच दे रही है, तो वहीं राज्य में अब तक 15 से 17 वर्ष के आयु के बच्चों को और 12 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को टीकाकरण खुराक दी जा रही है। राज्य में बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान तेजी से लाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों से उत्तर प्रदेश में टीकों की खुराक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध उत्तर प्रदेश ने 10 जनवरी से फ्रंट लाइन और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों को एहतियाती खुराक देने की शुरू की है। इसके साथ ही सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध उत्तर प्रदेश ने 10 जनवरी से फ्रंट लाइन और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों को एहतियाती खुराक देने की शुरुआत की है और अब तक राज्य में 29.35 लाख से भी अधिक एहतियाती खुराक दी जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।